सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं फिर जबरदस्त कंटेंट के साथ वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीसीटीवी कैमरा फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड शॉप, है ना। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बेस्ड है दोस्तों, कि आपके ज्वेलरी में हो या डायमंड शॉप में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है, तो वहाँ पे आप किस टाइप के कैमरे इंस्टॉल करना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन करते समय, तो मैं हर एक वो छोटी चीज़ बताऊँगा जो आप जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में कहीं आप जानना चाहते हो कि ज्वेलरी शॉप में किस टाइप के कैमरे लगते हैं, किस टाइप के कैमरे इंस्टॉल करना चाहिए, प्लान कैसे करना चाहिए ज्वेलरी शॉप में इंस्टॉल करने से पहले, तो ये हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहीं आपका ज्वेलरी शॉप है, कहीं आप अपने ज्वेलरी शॉप में कैमरा लगाने वाले हैं, या पहले से भी आपके ज्वेलरी शॉप में कहीं कैमरा लगा हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट अपने वीडियो पे लेके चलता हूँ और आपको हर एक वो छोटी चीज़ समझाता हूँ जो आप समझना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील है, कहीं वीडियो आपको थोड़ा सा भी हमारा मेहनत हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को पहले लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करके वीडियो में आके आप देखा करो। वीडियो आप लाइक करना चाहते हो बट क्या वीडियो देखते देखते आप खो जाते हो, वीडियो लाइक करना करे बिना आप निकल जाते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सब टेक्निकल वीडियो है, बहुत मेहनत लगता है और आपका प्यार कंटिन्यूअस मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और भी प्यार की आपकी ज़रूरत है और आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तो वीडियो को भी लाइक करना स्टार्ट करें। जब भी वीडियो देखें लाइक कर दीजिए। चलिए लाइक कर दिया आपने, हेलो लाइक किया आपने, चलिए लाइक कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो ज्वेलरी या डायमंड शॉप में, ज्वेलरी के शॉप में जब भी कैमरा लगाने की बात आती है, वहाँ पे आता है एक HD कैमरा और एक IP कैमरा, ठीक है। मैं पर्सनली जब भी ज्वेलरी शॉप में, इस टाइप के महंगे शॉप्स में जब भी मैं कैमरा लगाता हूँ, 110% मैं IP कैमरा को ही प्रिफर करता हूँ। हेलो आयसम में ज्वेलरी शॉप या इस टाइप के महंगे शॉप जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा कीमत होता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक अंगूठी, इसकी कीमत भी लाखों में होती है, ठीक है। छोटा सा रिंग भी कभी चोरी हो गया तो लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। तो HD कैमरे में नॉर्मल सा खर्चा करने से अच्छा लाखों का खर्चा करके आप IP कैमरा लगाओ। IP कैमरे की लाइफ भी अच्छी रहती है और 4-5 साल बाद जब आप देखते हैं कि HD कैमरा, जैसे HD कैमरे की फुटेज ब्लर मानने लगता है ना, यदि क्लियर नहीं दिखता है, जब चोरी हो जाता है तब ज्वेलरी वाला बोलता है अरे यार क्या कैमरा लगा दिए। जब हम उसको बजट देते हैं IP कैमरे का तो वो IP कैमरा नहीं लगाता है। जब चोरी होता है तब वो सोचते हैं कि यार मैं IP कैमरा लगा लेता हूँ, एक बार में खर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ज्वेलरी वाले को 100% एक बार में खर्चा करना चाहिए और IP कैमरे के साथ में ही जाना चाहिए। देखिए दोस्तों आपके सामने एक HD कैमरे का मैं फुटेज दिखा रहा हूं ज्वेलरी शॉप का। देखिए किस टाइप का, कोई एक बंदा मेहमान है कि जो भी है पैसा निकाल रहा है, देखिए है ना, पैसे की चोरी कर रहा है। ये देखिए ये पैसा ये जेब पे रखा और उसके बाद ये फिर से लड़का बैठ जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं और दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूं, इसी कैमरे का फुटेज को अगले एंगल। देखिए दोस्तों ये उस ज्वेलरी में लगा हुआ दूसरा कैमरा है जिसको मैं बोल रहा था सपोर्ट पे लगाना है, ये HD कैमरा है। देखिए HD कैमरा कुछ दिन बाद ब्लर हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि चेहरा क्या है और क्या वो निकाल रहा है, क्या वो जेब में रख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कहीं आपके ज्वेलरी में 2-3-4-5 कैमरे लगे हैं तो दोस्तों इसी टाइप का फुटेज आपको मिलेगा, है ना, कभी समझ में आएगा कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा IP कैमरे के लिए जाइए और ज्यादा से ज्यादा कैमरा आपको ज्वेलरी पे लगाना है, वो भी काउंटर के ऊपर ऊपर, जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट अभी वीडियो में बताया है। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में, ठीक है। ज्वेलरी शॉप कोई पान ठेले का दुकान और कोई कपड़े का दुकान नहीं है जहां पे छोटा मोटा चोरी होता होगा, 8,000-5,000 का चोरी नहीं होता है, लाखों पे चोरी होता है ज्वेलरी शॉप में, ठीक है। तो यहां पे मेन चीज है सिक्योरिटी,
ठीक है। मेन जो चीज है वो सिक्योरिटी आता है, अमाउंट वाइज यहां पे बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है ज्वेलरी शॉप में। कहीं आप इंस्टॉलर है, कहीं आप लगा देंगे एचडी कैमरा, नॉर्मल कैमरा जब चोरी होगा तो ज्वेलरी वाला ही आपका कॉलर पकड़ेगा और बोलेगा कि क्या यार कुछ फुटेज में दिख ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा अंगूठी को अंदर रखा है कि नहीं ग्राहक, आया समझ में। इसीलिए दोस्तों हमेशा आईपी कैमरे के साथ में जाना चाहिए। और एक जो गलती करते हैं इंस्टॉलर, ठीक है, यहां पे जैसे मान के चलो एक रूम है ना, ये शॉप है मान के चलो एचडी कैमरा, जैसे नॉर्मल क्लॉथ का दुकान होता है तो क्या करते हैं हम, एक कैमरा यहां लगाते थे और एक कैमरा यहां लगाते थे, ज्यादा ज्यादा दो कैमरा लगाते हैं, ठीक है। ज्वेलरी शॉप के केस में ऐसा नहीं होता है, हर एक छोटी चीज को हमें ध्यान में रखना रहता है। ज्वेलरी शॉप में कैमरा लगाने का पहला ये नियम है कि आपको आईपी कैमरा लगाना है। दूसरा जो प्लानिंग करते हैं हम ज्वेलरी शॉप की, मान के चलो ये ज्वेलरी शॉप है ना, और आपने देखा होगा हर एक ज्वेलरी शॉप में इस टाइप का, इसको हम काउंटर बोलते हैं, ठीक है, जहां पे आपके ज्वेलरी दिखाया जाता है आपको, ठीक है, और ये कस्टमर यहां पे बैठे रहते हैं जहां से देखते हैं कस्टमर, ठीक है। इस टाइप का आपका एल शेप का भी आपका काउंटर होता है, कंप्लीट स्क्वायर शेप का भी काउंटर होता है, चारों तरफ कस्टमर को दिखाया जाता है ना, एक सिंगल लेन वाला भी काउंटर होता है। तो इस टाइप का मेन जो है ज्वेलरी शॉप्स में काउंटर मेन है। जैसे मान के चलो यहां पे मेन काउंटर है ये, है ना, यहां पे गोल्ड दिखाया जाता है, यहां सिल्वर और डायमंड यहां पे दिखाया जाता है, और यहां पे है कैश सेक्शन, ठीक है। कैश सेक्शन को भी हमें ध्यान पे बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। मान के चलिए ज्वेलरी शॉप है और यहाँ पे है कैश सेक्शन, और यहाँ पे आपका गोल्ड दिखाया जाता है, यहाँ पे डायमंड दिखाया जाता है, यहीं पे आपका सिल्वर दिखाया जाता है, ठीक है, सोना चांदी डायमंड एक ही जगह में दिखाया जा रहा है। इस टाइप के और भी सेक्शन हो सकते हैं ज्वेलरी शॉप में, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो मान के चलो नॉर्मल दुकान में हम दो कैमरे से कवर करते हैं, तो यहाँ पे जो कैश काउंटर है उसी के ऊपर कम से कम हमें दो कैमरे प्लान करने चाहिए कैश काउंटर पे। हेलो, आया समझ में, कैश काउंटर में हमें एक से दो कैमरे कैश काउंटर में हमें प्लान करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमी कौन सा नोट दिया है और कितना नोट दिया है गिनते हुए भी दिखना चाहिए। ज्वेलरी शॉप में हमेशा कैश सेक्शन में आपको दो कैमरे प्लान करने चाहिए, एक बैक साइड में और एक टॉप साइड से, जहां पे मनी को काउंट किया जाता है। ऐसा मान के चलो यहाँ पे मनी काउंटिंग मशीन है, तो मशीन के सामने यहाँ कैमरा लगाना है ताकि हम मशीन को भी देख सके कि वो जब नोट गिनते हैं, जब करेंसी गिनते हैं, तो उस पर क्या नंबर आ रहा है, कितना पैसा वो गिना गया है, ठीक है। नेक्स्ट डे आके कस्टमर भी कंप्लेन कर सकता है और जो शॉप का ओनर है वो भी कंप्लेन कर सकता है कि 2 लाख का काम हुआ था, 2 लाख का ज्वेलरी आपने ले गया और आप रेट मिलाएंगे रात में तो पता चलेगा 10,000 कम है, तो पता चलेगा कि किसी एक ने 1,90,000 रुपये दिए हैं और 2 लाख का ज्वेलरी ले गया, तो उस समय ये सब चीजें वहां पे काम आती है। क्या है, कैश काउंटर में हमें दो कैमरा लगाना है, 2 से 3 कैमरा लगाना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद मान के चलो हर एक चार फीट में ऊपर में, जैसे मान के चलो ये काउंटर है, काउंटर के ऊपर में डायरेक्ट हम कैमरा लगाएंगे, एक कैमरा यहां लगाएंगे। ये प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये काउंटर के ऊपर एक कैमरा लगेगा और कैमरा कितना फीट पे लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 फीट, है ना, 4 ये कैमरे की दूरी और यहां पे सिर्फ 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऐसा होंगे 4 से 5 फीट की दूरी में जब आप कैमरा लगाते हैं, नॉर्मल कैमरे में भी आपको छोटी छोटी अंगूठी, छोटे छोटे नेकलेस, जो सोने चांदी की चीजें है, उतनी क्लियर आपको दिखता है। अब ये काउंटर है, इस काउंटर में भी 1, 2 और 3 कैमरा, तो क्या हो गया, इस काउंटर पे 3 कैमरा, इस काउंटर पे 3 कैमरा, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी को देखने के लिए, इन सब के सपोर्ट के लिए, इन सब कैमरों के सपोर्ट के लिए एक कैमरा आपको यहां पे देना रहता है जो कंप्लीट यहां से यहां तक का फुटेज आपको देता है। दूसरा कैमरा आपको यहां पे लगाना रहता है जो ये कंप्लीट फुटेज आपको देता है यहां पे, आया समझ में। तो क्या होता है, जब ग्राहक खड़े हो जाएगा, हो सकता है ये कैमरे को ढक दे इस टाइप का, तो ये वाले कैमरे में या
और एक कैमरा यहाँ पे, यानी एक दो और ये तीन, और इस तरफ से तो ये कैमरा ही रहा है, यानी चारों तरफ चार कैमरा तो देना है, बट काउंटर में भी आपको अलग से कैमरा देना रहता है ज्वेलरी शॉप में। ज्वेलरी शॉप में इस टाइप से हमें प्लान करना है, जब भी आपको कैमरा लगाना है बड़े जगहों में तो इस टाइप का प्लानिंग करना है, चाहे 100 कैमरे लग जाए। आपको इस टाइप का प्लानिंग करोगे तो क्या होगा, जब भी चोरी होगा ज्वेलरी शॉप में, जो भी हो छोटा बड़ा, हमेशा आपको परफेक्ट फुटेज आपको मिलेगा, उसका शक्ल दिखेगा। आप मान के चलो एंट्री है ना, एंट्री में हमेशा, जब मान के चलो कोई ज्वेलरी शॉप में एंटर कर रहा है तो हमेशा 5 से 6 फीट, मान के चलो आदमी का हाइट अधिकतर हमारे इंडिया में 6 साढ़े 6 फीट है, तो हमेशा 6 साढ़े 6 फीट पे ही आपको कैमरा ऐसा लगाना है सामने में, ताकि कोई भी पर्सन अंदर आ रहा है तो उसका चेहरा एक्चुअल में एकदम ही परफेक्ट तरीके से उसका चेहरा कैप्चर हो जाए हमारे कैमरों में। हमेशा ऊपर लगाते हैं लोग और उसका सर दिखता है कस्टमर का, यहाँ पे दिख जाता है ग्रीन शर्ट वाला कि कोई चोरी किया है एक अंगूठी। उसके बाद हम यहाँ से चेक करते हैं उस आदमी का फेस, क्यों, क्योंकि आईपी कैमरे में या एचडी कैमरे में दोनों में कलर क्लैरिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, चाहे आप सीपी प्लस का लगाओ, हिकविजन का लगाओ या धौआ का लगाओ। मैं आगे बताऊंगा कि किस कंपनी का कैमरा आपको एक्चुअल में ज्वेलरी में लगाना है, वीडियो देखते रहिए। देखिए दोस्तों, एक ज्वेलरी शॉप का मैं डिजाइन बनाया हूँ यहाँ पे। ये ऐसा है, इतना बड़ा जैसे ज्वेलरी शॉप है, यहाँ से कस्टमर एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा कस्टमर यहाँ से एंटर करेंगे। ये है कैश काउंटर आपका, कैश काउंटर में हमने जो प्लान किया चार कैमरा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और ये यहाँ पे चार, चारों साइड से चार कैमरा। जहां से कस्टमर एंटर होता है वहां पे आपको दो कैमरा देना है और सामने एक कैमरा देना है। ये सब कैमरे एंट्रेंस में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का फेस देखने के लिए, कैमरे 6 फीट के हाइट पे ही रहेगा। हेलो, फेस जब भी देखना है आपको कैमरे में, याद रखना कैमरा आपको हमेशा 6 सवा 6 फीट के हाइट पे ही लगाना है, ठीक है, वहां से ही आपको एक्चुअल में परफेक्ट कस्टमर का हो, जो भी हो, उसका फेस आपको दिखेगा और फेस रीड आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सिल्वर वाला काउंटर है, यहाँ पे आपको चांदी दिखाई जाएगी, ये डायमंड सेक्शन है और ये एक रूम है गोल्ड का। देखिए डायमंड वाले सेक्शन में कम से कम आपको 10 कैमरे प्लान किए हैं यहाँ पे, हर काउंटर के ऊपर चारों तरफ, और यहाँ पे देखिए काउंटर के ऊपर और चारों तरफ, और यहाँ भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, यहाँ से भी हम ये सब देख रहे हैं। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि ज्वेलरी शॉप या इस टाइप के महंगे जगहों में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेस कीमती चीज़ें होती है, बिकती है, वहाँ पे आपको कैसा कैमरा लगाना है। क्या होता है, ज्वेलरी वाले को ये सब नहीं पता रहता है, आपको बोलेंगे अरे यार पूरे ज्वेलरी में एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, और एक कैमरा यहाँ और एक कैमरा यहाँ, बाहर में दो कैमरे, 6-7 कैमरा लगा दे यार ज्वेलरी में, खत्म। उसके बाद जब चोरी होता है ना, तब आपको बुलाया जाता है, जब आप कैमरा लगाते हो, इंस्टॉलर को बुलाया जाता है और बोलते हैं अरे यार यहाँ तो कस्टमर का पीठ दिख रहा है, हाँ ये क्या रखा है, ये तो दिख ही नहीं रहे, और यहाँ से तो चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा है यार, कहाँ से समझ में आ गया, इतने बड़े प्रमाइसेज में आप कहीं 5-6-7-8 कैमरे लगाएंगे तो आपको ज्वेलरी शॉप में चेहरा समझ में आएगा, क्या चोरी हुआ वो समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। कहीं आप इतने सारे कैमरे हर एक काउंटर पे, देखिए मैंने बेस किया है कैमरे, और हर काउंटर पे मान के चलिए काउंटर है, काउंटर से आपको 4-5 फीट के दूरी पे ही आपको कैमरे लगाने हैं, ऐसे ऊपर से नीचे देखेगा, जिससे कि आपको पूरा सामान हर एक चीज एकदम ही क्लियर आपको समझ में आए, चाहे वो अंगूठी हो, डायमंड का कोई सामान हो, हर एक चीज एक्चुअल में समझ में आना चाहिए। और दोस्तों ज्वेलरी में इसी टाइप का प्लानिंग करना रहता है, आपको लग रहा होगा इतना इतना सारा कैमरा कौन लगाता है, कभी जाइए अनूपचंद तिलोकचंद, कभी जाइए ललिता ज्वेलर्स, कभी आप जाइए बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में जाइए जेवर एवर में, तो आपको समझ में आएगा ये तो बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे तो 100-100 कैमरे लगे रहते हैं और अलग अलग प्रकार के कैमरे लगे रहते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, कि अभी तो मेगापिक्सल भी नहीं बताया कि कितने मेगापिक्सल्स के आपको कैमरे लगाने हैं। देखिए मान के चलिए जितने भी काउंटर है आपको कम से कम 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा लगाना है, और इतने सारे जब कैमरे लगाने हैं तो HD के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्वेलरी में कभी HD कैमरा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा IP कैमरे के साथ जाना चाहिए, और 5 मेगापिक्सल का IP कैमरा ही आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। ये जो जगह है
है ना, काउंटर को देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का आईपी कैमरा ही लगाना चाहिए, यहां भी और यहां भी, ठीक है। बाहर में आप फेस देखने के लिए एक कैमरा 5 मेगापिक्सल और एक कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूज कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा अधिकतर जगह आपको 5 मेगापिक्सल का, जैसे मान के चलो कैश काउंटर के पास यहाँ 4 कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 2 कैमरा 2 मेगापिक्सल लगा लिए और 2 कैमरा पिक्सल का लगा लीजिए। मान के चलो यहाँ पे 4 कैमरा सपोर्टिंग कैमरे, देखो ये सपोर्टिंग जो कैमरे हैं यहाँ पे आप 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि सभी कैमरे अप टू 5 मेगापिक्सल के तो होने चाहिए ज्वेलरी शॉप में, तभी मजा आएगा आपको फुटेज देखने में। आया समझ में? जब चोरी हो जाएगा, जब कुछ वारदात हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें जब चोरी होने लगेगी, तब आपको हर एक छोटी चीज उस वीडियो में आपको एकदम एक्चुअल में दिखेगा। जब आप जूम करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां से चोरी हुई। हो सकता है कि यहां पे कस्टमर बैठा हुआ है ना, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, यहां पे कस्टमर बैठा हुआ है, इस कैमरे को ढक देता है, ठीक है, इस कैमरे को ढक देता है ऐसा करके, और एक कुछ चीजों को अंदर रख लेता है, तो जरूरी नहीं कि उसका पूरा फुटेज इसी कैमरे पे आए। हो सकता है इस ये जो सपोर्टिंग कैमरा है उसको कैप्चर कर ले, हो सकता है यहाँ पे जो कैमरा लगा है वो उसको कैप्चर कर ले, हो सकता है यहाँ का जो कैमरा सपोर्टिंग है वो उसको कैप्चर कर ले, हो सकता है यहाँ का जो साइड कैमरा जो ऊपर से हमने लगाया है वो उसको कैप्चर कर ले। तो इतने सारे कैमरे कस्टमर के ऊपर है तो कहाँ से कस्टमर बच के जाएगा, ऐसा उनमें। तो इस टाइप की प्लानिंग आपको ज्वेलरी शॉप में करना चाहिए। ज्वेलरी शॉप में कैमरे इंस्टॉल करने के बहुत सारे नियम होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, मैं इस वीडियो पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट कुछ चीजों का हिंट मैं देता हूं। कुछ चीजें जो कॉन्फिडेंशियल है उसको बता पाना वीडियो में संभव नहीं है, बट मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो हम लोग वीडियो में, जो हम अपने प्रोजेक्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कैमरे आपको है ना, आपके जो कैमरे हैं आपको हमेशा 3.6 mm लेंस के कैमरे यूज करने चाहिए 5 मेगापिक्सल का। क्या होता है, 3.6 mm का जो लेंस यूज करते हैं अपन, उस पर बहुत वाइड एंगल, और उसके बाद यदि पास मान के चलो ये रूम है और यहां हमने कैमरा लगाया, तो यहीं से वो ये पूरा वाइड एंगल लेता है, आया समझ में। बट कहीं हम 6 mm का जो नॉर्मल आईपी कैमरे में 6 mm ही आता है लेंस, है ना, अपन 3.6 mm कहीं ऑर्डर करेंगे तो 3.6 mm के कैमरे आपको मिलेंगे, बट 6 mm का लेंस का जब कैमरा लगाते हैं यहां पे तो वो यहां से दिखाता है, ठीक है, 3.6 यहां से दिखाएगा तो 6 mm का यहां तक, यानी इतना दूरी वो दिखाएगा नहीं, फिर यहां से दिखाना स्टार्ट करता है और वो थोड़ा सा कम एरिया कैप्चर करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि पीछे से लेगा तब पूरा एरिया कैप्चर करेगा और सामने से लेगा तो कम एरिया, तो हमेशा 3.6 mm का लेंस का यूज करना है। अब ज्वेलरी लाइन में एक जो एकदम ही जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहले कभी आप ना सुने होंगे ना सोचे होंगे कभी कि इस टाइप से भी हम सिक्योरिटी को प्लान कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरे के थ्रू। क्या होता है, अधिकतर हम पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है, मैं अभी हिंट दे रहा हूं आपको एक पॉइंट का, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। मान के चलिए हम पेपर में हमेशा पढ़ते हैं कि चोरी हुआ है किसी ज्वेलरी शॉप में, उस ज्वेलरी का डीवीआर या एनवीआर चोर लेके भाग जाता है, ठीक है, एनवीआर और डीवीआर, ठीक है, डीवीआर और एनवीआर चोर लेके भाग जाता है, तो ऐसे केस में आपके पास फुटेज नहीं रहता है, ठीक है, आपके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और कहीं एनवीआर और डीवीआर आपके यहाँ लगा है तो आपके पास कोई भी फुटेज नहीं रहेगा। इसका एक सॉल्यूशन क्या है, कहीं आपके पास यहाँ पे एनवीआर लगा हुआ है 24 पोर्ट या 32 पोर्ट या 16 पोर्ट जो भी लगा हुआ है एनवीआर, मान के चलो आपका जो मेन कैमरा है एक एंट्रेंस का कैमरा है, एक कैश वाला कैमरा है, एक ज्वेलरी के अंदर का कैमरा है और एक कहीं और का कैमरा है, 3-4 कैमरे के लिए आप एक एनवीआर कहीं और प्लान कर सकते हो, हेलो, यानी हिडन तरीके से आपके ज्वेलरी के ही अंदर पीओपी के ऊपर एक एनवीआर
एक NVR 4 चैनल या 8 चैनल आप चूज कर सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट कैमरे आपको ऐड करना है, यानी 4 कैमरे इसमें भी ऐड रहेंगे, इंपॉर्टेंट वाले 4 कैमरे, और वही वो कैमरे इसमें भी ऐड रहेंगे, जो मेन DVR रहेगा अपना 32 उस पर भी ऐड रहेगा, ठीक है। बट इस NVR को सिर्फ और सिर्फ हम लगा रहे हैं सपोर्ट के लिए। हेलो, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए लगा रहे। कभी इन फ्यूचर चोरी होता है तो चोर क्या इस NVR को लेके भाग जाएंगे, बट कुछ कैमरों की, कुछ इंपॉर्टेंट कैमरों की रिकॉर्डिंग आपको इस NVR पे भी मिलेगा। हेलो, आया समझ में? क्या ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल पॉइंट है जिसको मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। मैं एक हिंट दिया हूं, एक पॉइंट आपको बता दिया हूं कि हम जब ज्वेलरी शॉप में, बड़े बड़े जब ज्वेलरी शॉप में हम कैमरे लगाते हैं, NVR और DVR का प्लान करते हैं, तो इस टाइप का प्लान आपको करना चाहिए। हो सकता है कि चोर आया, चोरी किया, DVR NVR को लेके चले गया। DVR के केस में भी आप एक्स्ट्रा DVR एक लगा सकते हैं। मान के चलो पूरा एक बड़ा NVR आपका यहाँ लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा NVR यहाँ पे प्लान मत करिए, यहाँ कहीं वहां से पूरे अपोजिट डायरेक्शन या बीच में कहीं POP के ऊपर डाल दीजिए, उसको देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें रिकॉर्डिंग होगा, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के पर्पज से। कभी इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता कभी चोरी हुआ तो ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा, जो एक्स्ट्रा NVR आप लगाए होगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपको लगा कैसे है मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ, और वीडियो को लाइक करके जाओ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया एक पॉइंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। IP कैमरे में आप क्या कर सकते हो, IP कैमरे में क्या कर सकते हो, मान के चलो ये ज्वेलरी शॉप है, मैं जो बताया था, यहाँ पे डायमंड का है, यहाँ पे सिल्वर का है, यहाँ पे गोल्ड का है पूरा, है ना, यहाँ पे कैश काउंटर है, तो आप क्या कर सकते हो, काउंटर के पास जो कैमरा लगा हुआ है उसको आप मेमोरी कार्ड वाला, है ना, मेमोरी कार्ड वाला IP कैमरा यूज कर सकते हो। यानी इस पर आप मेमोरी कार्ड लगाइए 32 GB या 64 GB, ठीक है, 64 GB का आप इस पर एक मेमोरी कार्ड लगाएंगे, मेमोरी कार्ड वाला कैमरा, क्योंकि IP कैमरे में मेमोरी कार्ड वाले कैमरे भी अवेलेबल है, है ना, और वॉइस वाले कैमरे भी अवेलेबल हैं। तो क्या करोगे आप, 64 GB का आप मेमोरी कार्ड लगाओगे, एक मेमोरी कार्ड वाला कैमरा यहाँ पे, एक मेमोरी कार्ड वाला कैमरा यहाँ पे, एक मेमोरी कार्ड वाला कैमरा यहाँ पे, और एक मेमोरी कार्ड वाला कैमरा यहाँ पे, और एक मेमोरी कार्ड वाला कैमरा सामने और एक बाहर। 4-5 कैमरे को आप कहीं मेमोरी कार्ड वाला यूज करोगे तो दोस्तों आज तो फायदा नहीं होगा आपको, आज तो हो सकता है कुछ पैसा आपका एक्स्ट्रा लग जाए, मेमोरी कार्ड कैमरे थोड़े महंगे आते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसा एक्स्ट्रा लग जाए, बट ज्वेलरी शॉप में मैं बताया ना, सिर्फ और सिर्फ हमें सिक्योरिटी के ऊपर ही ध्यान देना है, बिल्कुल भी अमाउंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कहीं एक्चुअल में काम करना है। देखोगे आप रेलवे स्टेशनों में यहाँ वहाँ सरकार की तरफ से कितने महंगे महंगे कैमरे लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सिक्योरिटी मेन है, अमाउंट उतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो आप जब भी मेरे भाई जो भी इंस्टॉलर है जो इंस्टॉल करते हैं स्पेशली ज्वेलरी शॉप में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का सेटअप को बिल्डअप करना है, ताकि कुछ चोरी भी होता है तो फुटेज तो देखेंगे, बट कहीं चोर NVR DVR को भी लेके चले गया, उस केस में आपके पास फुटेज या रिकॉर्डिंग जैसा कोई चीज है कि नहीं है, इस चीज को बार बार 100 बार सोचिए। कहीं कोई चोर आया और NVR DVR को लेके चले गया तो उसके बाद आपके पास क्या सॉल्यूशन होगा, हो सकता है वो कुछ कैमरे को भी उखाड़ के ले जाए, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है, ये सब चीज को आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको और भी अच्छे अच्छे आइडिया आते चले जाएंगे। मैं आपको उस रास्ते पर ले गया हूँ, मैं उस इससे ज़्यादा मैं और भी अंदर की बातें और कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं मैं बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी वाली चीज़ें, इसीलिए तो मैं बहुत जगह जो प्लांट में हम लोग लगाते हैं, ज्वेलरी शॉप में कैमरे लगाते हैं, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं ना, कैमरा लगा हुआ है, कहीं मेरे वीडियो ही को देख के कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया, तो मैं कैमरे लगाते हुए वीडियो कभी भी नहीं बनाता, क्योंकि रोज कैमरे लगते हैं, मैं तो चाहूँ तो रोज कैमरे वीडियो बनाऊँ, बट वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, मैं किसी की कॉन्फिडेंशियल को लीक नहीं करना चाहता इसीलिए, बट कुछ आइडिया मेरे दोस्तों को मैं दूंगा, ताकि वो जब भी कैमरे इंस्टॉल करें, स्पेशली
ज्वेलरी शॉप या डायमंड शॉप या ऐसे बड़े बड़े जगहों में जहाँ पे बहुत ही बेस कीमती चीज़ें मिलती हो, वहाँ पे आपको इस टाइप का सेटअप को सेटअप करना है और अमाउंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हर एक बरकस प्रयास करना है और हर एक पॉइंट को सोचना है। जैसे मान के जो चोर आया, NVR ले गया, DVR ले गया, कुछ कैमरे को ले गया, कुछ ले गया, उसके बाद फुटेज का आपके पास क्या सॉल्यूशन है, ये आप सोचेंगे समझेंगे तो आपके पास बहुत सारे आइडिया आपके सामने आ जाएंगे और आप उस टाइप के आइडिया पे काम करिए और अपने जो भी क्लाइंट है आपके, जो आपके ज्वेलरी शॉप है, उसको सेव करिए और सुरक्षित रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।